hello students today we will start lesson number 18 of english grammar book in this chapter we will study about reflexive pronoun two parts are already done of pronouns today we will learn third part reflexive pronoun so let us first read the sentences I enjoyed myself at the party. So, pay your complete attention on the blue words as well, okay? I enjoyed myself at the party. Amit cut himself with chopping onions. Reena bought a black shirt for herself. The bird sat in the sunlight and dried itself. Don't blame yourself for the loss, losing the match. You must introduce yourself one by one.

खुद कर रहा हो मतलब कि वो जो एक्शन है वो खुद के थ्रू ही किया जा रहा हो फॉर एग्जाम्पल सी आई टॉट माई सेल्फ योगा मैंने योगा सिखाया किसे सिखाया माई सेल्फ खुद को सो so, एक काम एक एक्शन जो हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? उसके थ्रू हुआ है और वो किसने किया इसी ने किया है किसको सिखाया है खुद को ही सिखाया है अंडरस्टूड सो मोर ओवर वट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं वेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज विद द प्रपोजिशन बाय दे शो दैट सम वन डज समथिंग अलोन और विदाउट हेल्प की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं कि अगर कोई नाउन कोई काम कर रहा है कोई चीज़ करता है तो वो या तो अकेले कर रहा है मीन्स किसी की हेल्प के बिना कर रहा है सी आई इंजॉयड माई सेल्फ मैंने खुद पार्टी में इंजॉय किया अमित कट हिमसेल्फ अमित ने खुद को अनियन जब कर चॉप कर रहा था तो उसने खुद को खुद की फिंगर को कट कर लिया खुद की ठीक है रीना हर सेल्फ रीना ने रीना बोटा ब्लैक शर्ट रीना ने एक ब्लैक शर्ट खरीदी किसके लिए खुद के लिए सो इट मीन्स सेल्फ सेल्फ का मतलब क्या होता है सेल्फ मीन्स खुद मी ओके रीड द एग्जाम्पल्स बिलो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया कैसे बाय हिमसेल्फ मतलब विदाउट हेल्प किसी के हेल्प नहीं लिए उसने खुद अपना होमवर्क फिनिश कर दिया माई आंट लिव्स बाय हर सेल्फ तो मैं मेरी आंटी जो है वो खुद ब खुद ही अकेली रहती हैं ओके द कब कॉट समथिंग बाई इट्सल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम कब जो था लॉयन का बेबी उसने क्या है कॉट किसी को पकड़ा मतलब अपने लिए वो फूड लेके आया है कैसे पहली बार इट्स सेल्फ खुद ब खुद मिरा किसी हेल्प के विदाउट हेल्प हैव यू बीन सेटिंग बाय योर सेल्फ ऑल इवनिंग तो क्या आप अकेले शाम को बैठते हैं मतलब अकेले बैठते हैं अलोन बाय योर सेल्फ प्लीज़ वॉक होम बाय योर सेल्फ टू नाइट अलोन मतलब कि खुद ब खुद अकेले चले जाइए दे कैन स्विम बाय देम सेल्फ नाउ विदाउट हैल्प मतलब कि वो खुद ब खुद स्विमिंग कर सकते हैं वी विल क्लीन अप द हॉल बाय हॉल बाय आर सेल्फ हम हॉल को खुद क्लीन कर सकते हैं मीन्स दे डोंट नीड एनी हेल्प विल यू बी एबल टू फाइंड द वे बाई योर सेल्फ क्या आप रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर ओके सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज वेन द पर्सन और एनिमल्स डूइंग एन एक्शन इज इफेक्टेड बाई द एक्शन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स का यूज तब किया जाता है जब भी कोई भी मतलब पर्सन या एनिमल कोई एक्शन कर रहा है कोई वो काम कर रहे हैं तो वो क्या है एक्शन जो हो रहा है वो उनके खुद के द्वारा ही किया जा रहा है लाइक like, तो फॉर दैट वी यूज़ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट्स सेल्फ माई सेल्फ योर सेल्फ योर दम सेल्स एंड आर सेल्फ्स दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ माई सेल्फ एंड योर सेल्फ आर सिंगुलर ये क्या है सिंगुलर ठीक है हिम सेल्फ फॉर बॉयज हर सेल्फ फॉर गर्ल्स इट्सल्फ फॉर एनिमल्स एंड माई सेल्फ फॉर आए मतलब खुद के लिए योर सेल्फ तुम्हारा मतलब की sing, एक सिंगल पर्सन के लिए ओके योर सेल्फ देम सेल्वस आर द एंड आर सेल्फ आर द प्लूर द प्रेपोजिशन बाय इज़ यूज बिफोर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज होती है टू शो दैट सम वन डज समथिंग अलोन ये ये चीज शो करती है कि किसी ने कोई काम अलोन अकेले किया है या फिर किसी की हेल्प के बिना किया है ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the three parts of pronouns possessive pronoun reflexive pronoun and a personal pronoun okay now sending you the book work but try to solve it first yourself okay then take the help from answer key okay thank you